नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए भाई उत्सुक हैं, वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जिससे कि सारे क्लासेस जो यूपीटेट के हो गए हैं उसकी पीडीएफ कहां पे आप डाउनलोड करेंगे भी बता देते हैं। जब आप टेलीग्राम खोलेंगे, टेलीग्राम नीचे लिंक पिन कर दिया गया, आप ज्वाइन हो जाइए या फिर सर्च कर लीजिए करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम पर, आपको वहाँ पर वीडियो सारे दिख जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के, तो आप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे देखकर वहाँ पे। ठीक है भाई, वहाँ पर लगभग 600-700 के आसपास बच्चे हैं, आप आराम से ज्वाइन हो जाइए। अभी तो संख्या हमारी बहुत कम है, हम आपसे कहते हैं अगर हमारी बातें श्योर रूप से एक तरह से दबाव बनाकर मनवानी है तो आपको सारे वीडियो शेयर करने पड़ेंगे। हम आपको नवंबर तक का समय दिए हैं 2018 बैच को, और जो बैक प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के उनको भी हमने नवंबर तक का समय दिया है। जैसे 2018 बैच के जो प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ हो जाए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में भी समय लग रहा है, क्योंकि स्कूटनी के बाद ही सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं अभी। वैसे हमने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख ले, ठीक है ना। 2019 के जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ करा लिया जाए, इस पर बहुत दबाव बनाएंगे हम, लेकिन नवंबर तक अभी आपके पास समय है। यह मत कहिएगा सर नवंबर बहुत दूर है, भाई दूर तो तब भी था जब आप छोटे थे, बड़े हुए समय पता चला, नहीं ना। तो बस उसी तरह यह समय कब बीत जाने वाले हैं खुद पता नहीं चलता है, समय के अनुसार चल पाना बहुत मुश्किल होता है आदमी को। जो समय के अनुसार चलता है वो अपनी दूरी तय कर लेता है भाई, है ना। दूरी हमें समय के ना ही पीछे चलना है ना ही समय के आगे चलना है, सिर्फ समय के साथ चलना हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, और सारी चीज़ें समय के अनुसार तभी होंगी जब हम समय के साथ चलेंगे। ठीक है, तो मेहनत पे बस भरोसा रखें, अपने साथ मेहनत को लेके चलें, मेहनत ही आपको अपने सही लक्ष्य तक ले जाएगा, और यह बकवास की बातें दुनियादारी यह सब धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है ना। तो 2018 बैच के बच्चे जो प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, है ना, तो वह तैयार हो जाएं। लास्ट नवंबर तक को उनका समय देते हैं, लास्ट नवंबर तक प्रत्यावेदन अगर आप की संख्या बढ़ जाती है, वैसे हमारे व्हाट्सएप पर लगभग बच्चे जुड़ रहे हैं लेकिन निकल भी रहे हैं, कुछ कारणवश निकल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेतुके तरह की बातें बच्चे करने लगते हैं, मतलब इस वजह से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना हानि कर रहे हैं ना निकल कर। यहाँ तो हम बच्चों को कलेक्ट कर रहे हैं, लगभग एक बैच हमारा 190 का है और एक 140 का है, सॉरी 190 बोल रहे हैं, 90 का है, मतलब एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, 400 बच्चे हमको कलेक्ट करने हैं। हम 400 जैसे हमारे पास बच्चे होंगे वैसे इन सब को देखिए, एक एक करके जाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो अनुमान लगा के जा सकते हो, और प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाता है उसकी हमने वीडियो बना रखी है। जैसे यूपीटेट के सारे क्लासेस सारे सब्जेक्ट के A to Z कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं यार, 20-25 दिन बचे हैं ना उसी में फोड़ डालो रिविजन कर करके। जिस प्रकार से यूपीटेट के सारे क्लासेस हमने प्ले लिस्ट में सजा के रखे हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 साल के हों, चाहे अदर कोई सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिंदी हो, CDP हो, है ना, संस्कृत नहीं कराया है ना ही इंग्लिश कराया है, संस्कृत इस बार मैराथन लगाने वाले हैं, संडे को हम ही पढ़ाएंगे, देखते हैं कितना आता है मुझे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको 25 से 20 प्लस नंबर उसमें से एक वीडियो से सिर्फ दिला दिया जाए, मतलब ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लगभग 3-4 घंटे की होने वाली है, आप लोग देख लेंगे उसे, ठीक है भाई। और जो प्रशिक्षु 2018 बैच के हैं, जो बैक प्रशिक्षु हैं, बस उनसे यही आग्रह है हमारी, वो बार बार कमेंट करें नहीं, वो सिर्फ एक काम करें, कमेंट के साथ वीडियो को इतना शेयर करें जितने क्लासेस यूपीटेट के हैं, कम से कम वो उससे तो बच्चे आकर्षित होकर आएंगे। शेयर करो, मैथ की क्लासेस शेयर करिए, जो आपके यह दिए जाते हैं आपके, जैसे कि आपको यह दिया जाता है ना भाई, जितने अपडेट दिए जाते हैं उसको शेयर करो, बताओ अब क्या रखा है भाई। और लड़कियां बेतुके बातें ना करें भाई, बेटियां तो इस देश की शान है भाई, गजब पेशेंस था उस समय जब पहला लॉकडाउन लगा था, आप खुद नहीं सोच पाओगे साथियों, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उस समय एक महिला थी, ट्रेन में यात्रा कर रही थी, और उसी समय उसकी प्रेगनेंसी होती है ना, वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के बाद इतनी पीड़ा होती है दोस्तों, हम बताएंगे बायो के क्लास में उसे उसको उस सारी चीज़ें। उस ट्रेन में 600 किलोमीटर दिल्ली से आ रही थी ट्रेन, 600 किलोमीटर तक वह यात्रा की उस पीड़ा में, बताना अब कहाँ से कहते हो कि बेटियाँ साहसी नहीं होती हैं यार। बेटियाँ, आज का न्यूज़ अगर आप देखे होंगे तो उसमें एक महिला है, महिला अफसर है भाई, अफसर है, एक बेहोश आदमी को, एक युवक को बेहोश उठाती है कंधे पर और लेकर ऑटो में चली जाती है और उसका जान बचता है ऑटो से, और उसको सही समय पर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद। बताओ अब कहेंगे हम क्या बेटियाँ हमारी साहसी नहीं होती हैं। स्मृति मंधाना जो क्रिकेट खेलती हैं, देख लेना, अब यह मत कहना सर आप फेंकते हो, फेंकते तो वह भी थे हमारे महात्मा गांधी, फेंकते तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे, ये आपके क्या नाम भाई, भाई आपके भीमराव अम्बेडकर जी, वो भी फेंकते थे, बताओ अब कैसे कहोगे। फेंकने वाले ही जितने हैं, हमें दुनियादारी से नहीं मतलब, अगर आपको लगता है फेंकते हैं तो हाँ फेंकते हैं भाई,
फेंकते हैं तभी तो सारे क्लास खत्म कर दिया, फेंकते हैं तभी तो आज इतने नंबर लाया, फेंकते हैं। अब बताओ क्या करना है आपको? आपको कोई काम ना हो तो आप चले जाओ यहाँ से, यही आपके लिए अच्छा ही है ना। बस फेंकते हैं जो कहते हैं, ये 2 चवन्नी लेकर आ जाते हैं कमेंट करने, गाली गलौज करने, इन सालों को ना तो ऐसी जगह मारना चाहिए ना जहाँ पर निशान कभी छूटे ना। सालों सुधर जाओ। इसके बाद बात करें दोस्तों, आपको पता होगा एक IPS दीक्षांत जी हैं, अभी उनको फिर से कहीं चुना गया है। यह दीक्षांत लड़की का नाम है, लड़के का नहीं नाम है, याद रख लेना। तो ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे जब देश में हैं तो बताओ अब कैसे हम कहें कि हमारे देश लड़कियों के या फिर बेटियों से महानता नहीं हासिल करता है भाई। तो आप लोग क्यों इस तरह झुकती हैं भाई, हाँ बताओ। और राहुल जी का कहना था, हमें उनको कमेंट ले लिए हैं विशेष तौर पे, कि सर बताइए हम क्या करें, सर अब मरने के आगे कुछ नहीं दिखता। भाई बताना जरा, अगर ऐसे हार मान लेते तो आज दुनिया कहाँ आगे नहीं जा पाती। हार से ही लड़ने वाले आज देखोगे हर पोस्ट पे हैं, हार से ही जीत कर आज हर पोस्ट पे हैं। 2 टाइम का न खाकर पढ़ाई करने वाले आज किसी अच्छे पोस्ट पर हैं। माँ बाप की सेवा करके, माँ घर का सारा काम कर रातों दिन पढ़ाई करके आज वो किसी पोस्ट पर हैं। दिन भर दुकान पर बैठने वाला, दिन भर ऑटो चलाने वाला आज किसी पोस्ट पर है। दिन भर पढ़ाई करने वाला, कॉलेज में जाने वाला, रात में ऑटो चलाकर अपना पैसा देकर पढ़ाई करने वाला आज किसी पोस्ट पर है। एक मोची का लड़का आज किसी पोस्ट पर है, मोची का लड़का, बस समझ रहे हो, महेश बर्नवाल, उठाकर देख लेना यूट्यूब पर डाल दोगे महेश बर्नवाल की हिस्ट्री आ जाएगा, रोते रोते मर जाओगे यार, बता रहे हैं साथी। देख कर पता है जब वो अपना कमेंट करते हैं ना, जब बताते अपनी स्थिति तो आवाज़ नहीं निकलती मीडिया के सामने यार, हम नहीं बता पाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे साहसी बातों को याद रखना, हम प्रेरित सिर्फ आपको इस वजह से करते हैं कि आप मोटिवेट रहें और पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई की तरफ झुकाव अपना कर लें, बस यही ज़िंदगी का असल मज़ा है भाई। हारना ही तो ज़िंदगी का असल मज़ा है, जो हारा नहीं वो तो जीत ही, जीत कर क्या जश्न मनाएगा, जो हारता है ना उसका ही जीत बहुत ही जश्न लायक होता है भाई। देख लो शुभम का, जो शुभम जी हमारे हैं IAS ऑफिसर, अभी फर्स्ट रैंक आया है, देख लो कितनी बार हारे हैं। वैसे एक बार में तो निकालने को निकाल लिए, सब लोग बोलने के हारे हैं, वो भी अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बयां की है, देखे हो नहीं देखोगे, क्योंकि आपको तो यही पड़ी रहती है ना, अरे कब ये क्या बोल दिया यूट्यूब में, लगोगे खोल के देखने उसको। तो थोड़ी सी इन सब चीज़ों से दूर रहो, जितने क्लासेस दे दिए उसको करते रहिए बस। हम एक एक बात पे बातें करेंगे, सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। स्कूटनी के रिजल्ट कब तक आएंगे, उसके पहले 4th सेम का पेपर होगा या बाद में होगा? देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था, स्कूटनी के पेपर के आने से पहले पहले आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम करा लिया गया था, मतलब एक तरह से निकल गया था और बच्चे फॉर्म भर दिए थे, तो स्कूटनी बाद में आए थे, बच्चे नहीं भर पाए थे। हो सकता है इस बार हो जाए, क्योंकि स्कूटनी में बहुत लंबा समय खींचता है भाई, बता देना। अभी स्कूटनी आपका 12 दिसंबर तक चलने वाला है, कब से, 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बच्चे फॉर्म भरेंगे, कौन बच्चे फॉर्म भरेंगे, वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जिनका 1 नंबर से बैक होगा, 1 नंबर, याद रखना। 2 नंबर वाले भी अपना चांस निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मात्र 100 रुपये लगते हैं। और कुछ बच्चों का कहना है सर हमारे सामने कॉपी खुलती है कि नहीं खुलती है, एक बच्ची बोल रही थी हमारे पिछली बार हमने भरा था हमारे सामने कॉपी नहीं खुली थी। भाई ये कहाँ से हो गया, आपके सामने ही कॉपी खुलेगी, आपको बुलाया जाएगा, नंबर में खड़ा रहोगे, उसके बाद आपके सामने आपको दौड़ना भागना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जब जब आपको रोज डेली जाना पड़ेगा आपका, ठीक है ना। याद रखना स्कूटनी का जो रिजल्ट है जनवरी के बाद ही आने वाला, वैसे तो मान के चले दिसंबर के बाद चेकिंग स्टार्ट होगी, दिसंबर के पहले पहले यानी कि 12 दिसंबर, यह समय इस वजह से दिया गया कि 12 दिसंबर के पहले पहले आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद 4th सेमेस्टर वाले में जो बैग लगेगा वो भी उसके लिए भर सकते हैं भाई। देखो स्कूटनी मतलब सबके लिए है, इसमें से 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, 2nd, 3rd का आ गया, अब 4th का बचा है। 4th का जैसे ही आ जाता है वैसे आप लोग क्या करोगे, बैग वाले बच्चे फिर स्कूटनी की मांग करेंगे। इसमें से एक ही बार PNP निकाल कर सबको भरवा देना चाहती है, एक बार में सब बच्चे भर लेंगे, आराम से एक साथ पेपर हो जाएगा, उसको बार बार स्कूटनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्कूटनी का फॉर्म निकलने के बाद तुरंत कॉपी चेकिंग नहीं होती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1 महीने देख ली फॉर्म भरने में लगेगा, उधर बच्चों जो 4th सेमेस्टर उनको मात्र 10-15 दिन का समय मिलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, 10-15 का 1-1 हफ्ते का समय मिलेगा स्कूटनी भरने का, आराम से भर देंगे। इसके बाद कापियाँ आपकी मंगवाई जाएंगी PNP पर, यह लाने और ले जाने में 2 हफ्ता मान लो 15 दिन, फिर उसके बाद चेकिंग स्टार्ट होगी, कापियाँ चेकिंग होंगी, सारे बच्चों का कापी का क्या होगा भाई, फीडिंग होगा, इस तरह से फीडिंग यह सब पूरा मामला करने में उनको कम से कम नहीं तो एक तरह से पता है आपको, एक कापियाँ चेक करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, एक एक कापियाँ एक एक प्रश्न
चेक करना, मतलब इस वजह से इस घुटने के फॉर्म जो होते हैं, इस किडनी के रिजल्ट होते हैं लेट आते हैं, लगभग मान के चलिए कम से कम तो 2.5 महीने, ज़्यादा ज़्यादा मान लें तो 3.5 महीने। तो आप जोड़ लो 12 दिसंबर से 2.5 महीने जोड़ो, दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी हो सकता है लास्ट तक या फिर फरवरी तक आ जाए आपका, समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब बहुत लंबा समय। क्या फरवरी के बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा? जी हो सकता है, यह 90% पूरा चांस है कि फरवरी में एग्जाम होगा। यह फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो 2018 बैच वाले के साथ और 2019 जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपनी संख्या बना लेते हैं तो मात्र एक धरना में 2018 बैच वाले का प्रत्यावेदन जमा होने के बाद फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्जाम करा लिया जाएगा, जो जिनका 3 बार बैक है। बस आप लोग अपना यूनिटी बना लो, शेयर कर दो वीडियो को, जितना शेयर करना है दबा के शेयर करो, नाना मामा मामी जहां पर शेयर करना वहां पे करो, सबसे बोलो शेयर करें वीडियो, जितनी संख्या बनानी है बना लो भाई, इतनी संख्या है फालतू का वीडियो देखते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग की मदद किया जाता है तो वहां पे आप लोग नहीं आते हो, जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे क्लासेस भी मिल रहे हैं, सारे अपडेट भी मिल रहे हैं, आपकी हेल्प भी किया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं साथ आते हो। बताओ अब क्या किया जा सकता है? जो आदमी आपकी मदद करने के लिए तैयार है लेकिन आप लोग पीछे हटते हो, अब आदमी क्या करेगा बताना जरा। अब बात तो वही हो गई, खाने की भूख लगा है लेकिन जैसे खाना आपके सामने आया आंख बंद कर लिया आपने, तो बताओ क्या होगा बात? तब तो खाना चला जाएगा भाई ना, तब भूख कैसे, भूख तो आपको तब तक आप पलझा रहे हैं आदमी को, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। और याद रखना प्रत्यावेदन के लिए खुद जाना पड़ेगा, सेल्फ आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा, शरीर ठीक है ना, शरीर के साथ आपको वहां पर जाना पड़ेगा, तभी आपका प्रत्यावेदन आपके लिए जमा होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। याद रखना प्रत्यावेदन कैसे जमा होता है, कैसे लिखा जाता है, इसका वीडियो हमने बना रखा है, कहाँ पे है, प्लेलिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल बना होगा, उसमें सब कुछ है। कॉपियां कैसे चेक होती हैं डीएलएड की, कॉपियों पे नंबर कैसे दिया जाता है, आखिर कॉपियां लिखने का सही तरीका क्या है, सब कुछ एक एक चीज आपको पॉइंट 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 हर एक चीज बताया गया है, तो देख लेना आकर। तो याद रखना अभी फोर्थ सेमेस्टर में समय है रिजल्ट आने में, तो आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है भाई, आप लोग थोड़ा सा धरना वरना करके, हम लास्ट नंबर का समय दिए हैं, अहमद बोलना लास्ट नंबर बहुत दूर है, लास्ट नंबर बहुत पास है, बड़े हो गए इतना पता चला, 1 महीने के लिए क्यों मरे जा रहे हो क्या, बस साथी मेरे साथ दे दो, हम देखना फिर से एकजुट होंगे, और जिस बार इस बार 12 बच्चे गए थे ना, इस बार 1200 बच्चे रहेंगे। अरे यार 1200 जुड़ जाओ, केवल 500 बच्चे आ जाओ ना यार, 100 बच्चे भी अगर उस दिन होते ना तो शायद हमारी बातें सुनी जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन आप लोग नहीं आए, इसी तरह कॉमन नंबर वाला भी बात नहीं सुना गया, सिर्फ रिजल्ट आ गया। और इस बार भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस हम आपको देंगे, इसके बाद हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। 2019 बैक प्रशिक्षुओं का सहयोग इस बार लास्ट चांस है, लास्ट नवंबर यानी कि मान के चलें अगर दिसंबर भी हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 दिसंबर तो भी चलेगा, बस आप जब तक 30,000-40,000 की हमारी फैमिली नहीं बना देते हो भाई, 2 दिन में बन जाते हैं वीडियो शेयर करने से, आपके पास तो लगभग अभी 20 दिन हैं, 20-25 दिन हैं, शेयर कर दो ना, दबा के शेयर कर दो, एक एक दिन में बच्चों को लाओ, 100 बच्चे, 500 बच्चे, 600 बच्चे, देखो नहीं आ गए ना, नहीं बन गया हमारा यूनिटी तो कहना, और वही बच्चे आपके साथ रहेंगे, याद रखना साथी, इसमें से अगर 500 बच्चों को हम बुलाएं ना तो मात्र 100 बच्चे आएंगे, मात्र 100 क्या, 500 बच्चों को बुलाने मात्र 5 बच्चे आएंगे। तो आप इतना शेयर करो, कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 हमारी फैमिली हो जाए, फिर इसके बाद जो भी कुछ करवाना होगा हम अपने मेहनत से करवा लेंगे, उनसे उगलवा लेंगे, उनसे कबुलवा लेंगे, ठीक है ना भाई? तो 2018 बैच वाले प्रत्यावेदन जमा कब करेंगे, जब तक उनके पास 400-500 क्या हमारे व्हाट्सएप पे नहीं हो जाता तब तक हम नहीं भेजेंगे, अन्यथा आपको अगर अकेले जाना है तो आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना? और 2019 बैक प्रशिक्षु उनको बता दिया गया क्या करना है, आप लास्ट, आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी, आप करवा सकते हो अपना बैक पेपर का जो आपका है ना, बैक पेपर वो करवा सकते हो 2004 सेमेस्टर के साथ जो बैक प्रशिक्षु पास हुए हैं, ठीक है, उनके साथ अपना बैक पेपर करवा सकते हो आप, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं भाई, 2019 फ्रेश प्रशिक्षु के रिजल्ट में कितना समय लगेगा भाई, देख लो 2019 फ्रेश प्रशिक्षु के रिजल्ट में देरी इस वजह से लग सकता है, रिजल्ट में देरी नहीं लगेगा, कह लो उनका 15 दिसंबर से पहले पहले यानी कि सेकंड वीक से पहले पहले दिसंबर के आ जाएगा, यानी 12 दिसंबर ही लास्ट है स्कूटनी का, तो मतलब उससे पहले तो जाहिर सी बात है आपके आने वाले हैं रिजल्ट, है ना? तो चाहे वह बैक वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के, चाहे वह कौन है भाई, चाहे वह फ्रेश प्रशिक्षु 2019 वाले, ठीक है, सबका आ जाएगा रिजल्ट, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से अपना रिजल्ट चेक करिएगा, जिनका बैक लगेगा वो बैक का एक तरह से स्कूटनी का फॉर्म डाल देंगे तुरंत, उनके पास तुरंत ऑप्शन होगा एक, ठीक है, अन्यथा अगर बैक लग गया साथियों तो शिक्षक भर्ती से बाहर। अब यार तुम लोग को इतना नहीं पता है, बैक लगा लेते हो शिक्षक भर्ती के लिए मांग करते हो, एक बच्ची आज बोल रही सर पैसा कितना लेंगे पास करें, भाई हम क्या लगते हैं तुमको, हम एक टीचर हैं सिर्फ, और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हो, कुछ नहीं हमारा काम है, ठीक है ना? यह सोच रखने वाला आप, यह सोच ना रखें हमारे प्रति तो अच्छा रहेगा,
ठीक है ना, हम कहीं कुछ नहीं करते हैं, अपने शिक्षार्थियों का सिर्फ हेल्प करते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ करते हैं, ठीक है ना। तो सारे क्लासेस दिए जाते हैं, सारे अपडेट निस्वार्थ किए जाते हैं, तो बस हम उसी तरह आपकी मदद करते हैं। कोई हमारा नहीं है, झुकाव नहीं है पैसे के प्रति, और ना ही पैसे के लिए कुछ करते हैं, ठीक है भाई ना, बस आपकी मदद करते हैं। आप कितना हमारे साथ हो, कितना हमारे हमको प्यार देते हो, है ना, हमारे चैनल से कितने आप, या आपकी फैमिली, अपने फैमिली से कितना जुड़ाव रखते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस पैसा वैसा कहीं कुछ नहीं होता है, आप आराम से मेहनत करिए, है ना। जिनका बैक लगा वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर 2019 बैच वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बाहर मतलब कि बाहर हो जाएंगे। इसके बाद किसका, अभी कमेंट लेंगे आप लोगों का, घबराइए मत। अटेस्ट मुद्दा भैया, अटेस्ट मुद्दा है। देखो कुछ बच्चे बोल रहे सर अटेस्ट नहीं कराएं, तो एक हम कल वीडियो लाएंगे, एक बच्चे ने हमारे राकेश भाई जी ने अपना मार्कशीट भेजा है, उनके मार्कशीट को हम दिखाकर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अटेस्टेड होते हैं और कैसे किया जाता है, मतलब कि किस प्रकार से आप करवा सकते हो। सब कुछ हमने बता दिया एक बार, लेकिन फिर से कल वीडियो लाएंगे, उसको हम रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा उसमें अटेस्टेड मुहर लगता है कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर कॉलेज के नाम से, और वही चीज़ आपको ले जानी होती है। आप 3-4 करा के रख लो, क्योंकि आपका वो तो ले लेंगे ना, तो आप 3-4 करा के रख लो, जिससे कि आपको यह फ़ायदा हो सके कि आपको बार बार दौड़ना ना पड़े। जिसका कॉलेज दूर है वो 3-4 कॉपी करा कर लेके चले जाएं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फर्स्ट का हो, कोई रिजल्ट हो आपके पास, वो जाइए लेकर कॉलेज पर, उसको अटेस्ट कराइए। अटेस्ट कराने के बाद कम से कम 3-4 कापी ले जाइए, सबको अटेस्ट करा लीजिए कि बार बार दौड़ना ना पड़े। नहीं तो सीटेट में भी, यूपीटेट में भी, आगे जो भी सीटेट आएंगे उसमें भी, अलग टेट आएगा अलग राज्य का, तो उसमें भी सब जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में करा कर रख लो 4-5, ठीक है ना। वो कर देते हैं भाई, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, कर देंगे। और अटेस्ट कराना अनिवार्य है, ये मत सोचना कि अटेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। कुछ बच्चे बोले सर अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट भाई, अटेस्ट कराना बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो जाकर भी वहाँ से वापस आना पड़ जाएगा, रोगे गाओगे लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे, याद रखना, क्योंकि यह लीगल चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप सामने ही गलती करोगे तो कैसे आपको गलती स्वीकार की जाएगी भाई, नहीं की जाएगी। आपको इस वजह से इन्फॉर्म किया जाता है, इस प्लेटफॉर्म के किसी बच्चे का अगर पेपर देने जाते हैं तो अटेस्ट करा कर ही जाएंगे भाई, हमने सबको आगाह कर दिया। आपकी इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें भाई, शेयर करें। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर हम बता रहे हैं कैसे आप टेलीग्राम से सारे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो सारे क्लासेस हैं यूपीटेट के, कैसे कर सकते हैं। जैसे आप टेलीग्राम खोलेंगे करंट हेवन का, उसमें ऊपर सबसे लिखा होगा, जैसे खोलेंगे ऊपर फाइल लिखा होगा, उस फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइल पर क्लिक करेंगे सारे पीडीएफ आपके सामने आ जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे पीडीएफ आपके सामने आएंगे, आप डाउनलोड कर लेना एक एक पीडीएफ, ठीक है ना। चलिए अगर ज़्यादा होगा तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करके दिखा देंगे किस प्रकार से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई 2018 के आवेदन कब दिए जाएंगे, है ना। देखिए 2018 के आवेदन हमने बताया दोस्तों, पहले तो हम लास्ट नवंबर तक पूरा, अगर हमारे पास 400 संख्या हो जाती है, 400-500 इस पे अगर अच्छे खासे बच्चे हो जाते हैं, तो 400-500 बच्चों के साथ वह सारे बच्चों को एससीईआरटी भेजा जाएगा, वो जाकर अपना प्रत्यावेदन देंगे। प्रत्यावेदन मतलब एक प्रकार का एप्लीकेशन, चौथी बार पेपर कराने की मांग। और कुछ बच्चों का मतलब है कि सर चौथी बार क्या होगा, कहा बिल्कुल होगा, है ना। कॉलेज वाले भले ही बोल रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, ऐसी बात नहीं है, आपको एक चांस जरूर मिलेगा, क्योंकि 2017 बैच वालों को चांस मिला था जिनका एग्जाम अब फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा, एक नोटिस के द्वारा पीएनपी ने कहा है भाई, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं 2019 वाले कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है सर, क्या हमने फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तो क्या हम प्रमोट हो जाएंगे, जय्या भैया ये चीज़ मानो, आप अगर आपका यूपीटेट कराया जा रहा है तो आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट 101% कर दिया गया है, याद रखना। बैक वाले की तो अभी बात नहीं करते हैं, जो बैक हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, वो भी घबराए नहीं, 100% किया जाएगा उनको भी, लेकिन जो बैक वाले पास हो चुके हैं, है ना, तो हो चुके भाई, उनके फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या हाँक रहे हो, हाँकेंगे भाई, क्योंकि हाँकने से ही चीज़ें सही हो जाती हैं, जब आँकने से सीधे हाँकने से ही नोटिस निकलता है, हाँकने से ही सारी चीज़ें सही होती हैं, हाँकने से ही आदमी की जान बच जाती है, तो हाँकेंगे भाई। अगर गलत चीज़ से बहुत बड़ा काम हो जाता है, 150 आदमियों का फ़ायदा हो जाता है, तो गलत चीज़ सही है भाई, वहाँ पर गलतियाँ स्वीकार की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मकसद है, आप किस प्रकार से देखते हो, किस व्यू से देखते हो, किस एंगल से देखते हो, किस एंगल से पहचानते हो, ये आपके नज़रिया है, और सबका नज़रिया समान नहीं होता है, हम तो ये मानते हैं। याद रखना, ऊँचाई पर जाने वाला हर व्यक्ति का निंदा होता है, और गहराई में रहने वाले हर व्यक्ति का भी निंदा होता है, तो बताओ कहाँ रहोगे, कहाँ रहना पसंद करोगे, ऊंचाई पर ही रहना पसंद करोगे ना, तो ऊंचाई पर रहो। निंदा करने वाले तो निंदा तब भी करते थे जब तुम नहीं पढ़ते थे, निंदा करने वाले तब भी निंदा करेंगे जब तुम कुछ बन जाओगे, आप सामने से बोलेंगे वाह ये तो ससुरा बन गया, मतलब सामने से नहीं, सामने से बोलेंगे, सलाम ठोकेंगे, लेकिन आड़े आड़े क्या कहेंगे, अरे ससुरा बन गया, अब भाव नहीं दे रहा है, साले तुमको तो यह नहीं पता तुम मतलब किस मिट्टी के बने यार, तुम हम मतलब कुछ बन गए हैं तो अपना काम धंधा छोड़ें और तुमको भाव देने में लगें, तुम्हारे साथ गोली खेलें,
तुम्हारे साथ लट्टू नचाएं तब मानोगे कि हाँ नहीं बदला है, तुम्हारे साथ गाली गलौज करें तब मानोगे कि नहीं बदला है। यार काम भी तो होते हैं सरकारी दफ्तर में, हैं तो आदमी कैसे कह देता है यार कि अब भाव नहीं देगा। भाई तुमको एक अलग नज़र से हम दिखने लगते हैं जब हम किसी ऊंचाई पर जाने लगते हैं, तो अब यही आदमी की गलत सोच होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अब आदमी सोचता है कि हम अहंकारी हो गए, अहंकारी तो आप हो गए हैं साहब जो इस तरह से बोलते हैं, एक ही सेकंड में पराया बना देते हैं दूसरों की तरह। पहले तो साथ थे, साथ खाते पीते थे, आज पराया बना दिए। हमारी मैडम जी बहुत दुख होता है सोचकर उनको, बड़ी बड़ी बातें करती थी, साथ रहेंगे, अभी भी पूरा विश्वास है हमें कि वापस आएंगी, है ना, तो वेट करेंगे, देखते हैं कब तक आती हैं, वेट करेंगे, क्योंकि दिल में सिर्फ एक के लिए चाहता है और किसी के लिए नहीं। और उसके बाद तो प्रभु के ऊपर है, प्रभु क्या करते हैं हमारे साथ, लोग करीब 2-2.5 महीने हो गए बात किए हुए, ठीक है, करीब परेशानियां तो होती हैं, आधुनिक वजह से थोड़ी सी सेहत भी हमारी डाउन हो गई है, कभी कभी सोते भी नहीं है, नींद नहीं लगती है, पढ़ते रहते हैं दिन भर रात भर, है ना, तो बस उम्मीद है एक, और पूजा पाठ भी उनके लिए होने लगा है अब थोड़ा सा। भाई पूजा पाठ से हम बहुत भागते थे, लेकिन अब थोड़ी सी विश्वास जग रही है और मुझे लगता है कि आएंगे वापस मेरे, ठीक है ना। इसके बाद बीएड का सिलेबस देखिए, 2018 आवेदन हो गया, इसके बाद बीएड का सिलेबस, बीएड के सिलेबस पर एक वीडियो बनाएंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर को, चाहे थर्ड के हो, चाहे सेकंड को, चाहे फोर्थ के बनाएंगे, देख लेना, क्योंकि उसमें भी सेमेस्टर वाइज होते हैं, उसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद फोर्थ के साथ एग्जाम होगा क्या बैक वालों का या फिर 2018 वालों का, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% नहीं सियोरिटी के साथ कहते हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग यूनिटी बना लो, मात्र हमें 40,000 दे सकते हो, 40,000 सब्सक्राइबर दे सकते हो नवंबर तक, बताना नवंबर तक 40,000 सब्सक्राइबर, भाई बताना आपको जब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पूरे यूपी टेट के क्लासेस, सुपर टेट के क्लासेस दिए जा रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा अपडेट दिया जाता है, आपका डेली 5-6 क्वेश्चन का कम्युनिटी में टेस्ट लग लिया जाता है डेली, देख लेना उसको, 5 मतलब एक दिन में जब 5 क्वेश्चन करते हो ना, 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बताना, जो 30 × 5 कर लो, 30 × 5 = 15, 150 प्रश्न। अब कभी कोई क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं, इस बात को याद कर लेना, 150 प्रश्न एक महीने में तैयार होगा, ऐसे ऐसे चुटकी में ऐसे ऐसे तैयार होगा, उसमें कूट वाले भी प्रश्न होते हैं, तो एक साथ कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं, मान के चले 200 प्रश्न आपके एक महीने में तैयार हो रहे हैं, बिना कुछ किए सिर्फ आ रहे हो, दे रहे हो, वहां पे अपना रैंक देख रहे हो कि हम किसमें बिलोंग करते हैं, अगर नहीं आता तो सर्च करके आंसर दे दो, डेली लगाया जाता है 5-6 क्वेश्चन, आप डेली देते हो टेस्ट, बताओ आपका तैयार नहीं हो रहा, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आपको बताओ टेस्ट भी लिया जाता है, हर एक चीज किया जा रहा है, बताओ आप कहां से, क्या आप नहीं शेयर कर सकते, आपके पास दया भाव नहीं है क्या, आदमी नहीं हो, बताना। अब हम सबके कमेंट थोड़ा ले लेते हैं बच्चों का, ठीक है भाई, अब कुछ न्यूज़पेपर है उसका अपडेट बता देते हैं आपको। हाँ भाई देखना, आशीष गुर्जर जी का कहना है क्या कंपलसरी है 2019 बैच है, सेकंड सेम की है, रिजल्ट आया नहीं है, फोर्थ प्रमोट हुआ है, अगले फोर्थ प्रमोट, अच्छा 2019 बैच के फोर्थ प्रमोट, मतलब फोर्थ में गए हैं, फोर्थ का पेपर दे दिए हैं ना, तो आपके पास सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा ना, सेकंड सेम का ही रिजल्ट आया है, बस सेकंड का ले जाओ मेरे यार, सेकंड का ले जाइए, उसको अटेस्ट करा लीजिए, हो गया काम आपका, बस काम खत्म, तो किसी भी सेम कराना चाहिए, अब ऐसा नहीं फोर्थ का ही होगा फाइनल ही होगा, नहीं फाइनल तो आपको 2-3 महीने बाद मिलेंगे जब पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है 1-1.5 साल भी लग जाए, लेकिन आपके पास एक फोटोकॉपी होगी, एक प्रमाण होगा कि हमने बीटीसी कर लिया है, बीएड कर लिया है, ठीक है, आप उसी को अटेस्ट करा के रख लीजिए, 4-5, 10-15 करा के रख लीजिए, जितनी बार जाना हो यूपी टेट देने, किसी भी राज्य का टेट देने, आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, मान्यता हो जाएगी, ठीक है भाई। आशीष गुर्जर जी, भैया समझ में आ गया तो बताना आगे। भैया योगेश यार जी, सर स्कूटनी का बहिष्कार करें, टाइम टेकिंग है एग्जाम जल्द से जल्द। देखिए भाई स्कूटनी का बहिष्कार नहीं हो सकता, अब तो सारी चीज़ें हो गई है ना, हम तो महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी बुलाना पड़ेगा तब तो, ठीक है, महात्मा गांधी बन सकते हैं, बस हमारे पास संख्या रहती ना तो हम हर एक चीज़ करवा लेते हैं इनसे, बस हमारे पास संख्या नहीं है भाई, हम तो महात्मा गांधी है नहीं कि लाठी लेके चल रहे हैं और पता चला घर से भी सब लोग पीटने लगे, ससुरा कहाँ करने जा रहे हो रे, हैं तो समझ रहे हो ना, थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ता है, और ऐसा बात नहीं हम आपके साथ नहीं, हम आपके साथ हैं, हमने 2-2 बार कराया भी धरना, वहाँ पर 3री बार आपको आह्वान करेंगे नवंबर तक, आपके एग्जाम हो जाने चाहिए 4 सेमेस्टर के साथ बैक वालों का, तब आज जाके कुछ सुधार होगा, अन्यथा 2023 देखना, सीधे 2023 देखना मेरे लालों, 2023 में एग्जाम होगा है ना, 19 का 4 सेमेस्टर का जो रिजल्ट आने वाला है ना, अगर उसमें बैक लगा फ्रेश प्रशिक्षकों का, तो 2023 देखेंगे सीधे, शिक्षक भर्ती 2023 वाले में जो भी आएगा, शिक्षक उच्छक भर्ती यूपीटेट तो मान लो दे लेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी आएगा सब कुछ हवा में हो जाएगा, बातें भैया याद रखना, गवायक नहीं लगना है। हिमांशु गंगवार जी का कहना है सर डीएलएड मुरादाबाद डाइट की कॉपी कहाँ चेक करी, भैया नहीं पता है, नहीं पता मुझे, अगर कोशिश करेंगे पता करने की, वैसे 3-4 डाइट का हमें पता है, जैसे इलाहाबाद का है और
कई बहुत सारे जिम का पता, जैसे बस्ती का है और बहुत सारे जिलों का हमको पता है कहाँ पे चेक होता है, किस डाइट पे गया है, जैसे कि हमारे आजमगढ़ का है यह पता है, बनारस का हमारे है यह भी पता है, तो तीन चार डाइट का पता है, मतलब तीन चार जिलों का पता है कहाँ पे गया है, इसके बाद आगे नहीं पता है। सैल यादव जी का कहना है, सर अगर थर्ड सेम में प्रमोट नहीं किया गया तो बैक का और थर्ड का पेपर कब होगा? अगर थर्ड सेम में प्रमोट नहीं किया गया तो बैक का और थर्ड का पेपर नहीं होगा, मतलब ये कब होगा ये पूछ रहे हैं। तो जो बैक का पेपर है, अगर आप लोग की संख्या बढ़ जाती है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ हो जाएगा, जब भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला जो बैक प्रशिक्षु हैं जो पास हो गए हैं। और अगर आप थर्ड के पेपर देखिए, अगर आप पास कर लेते हैं तो बहुत देखिए हम 98% चांस आपका है, मतलब 2% चांस है कि आपका थर्ड हो जो बैक लगा के बैठे हैं, 2% कभी 100% भी हो सकता है, लेकिन 98% पूरा चांस है अगर आप बैक क्लियर कर लेते हैं इस फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के साथ, अगर आपका होता है एग्जाम तो शायद आपको प्रमोट कर दिया जाए। और इसके लिए आपको अपनी संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी हमारी बातों को सुन लें, अब यह ना सोचना कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपके साथ चलेंगे भी, बस आप अपनी संख्या, ये 40,000 देख रहे हैं ना, इतना छूने में मात्र 2-3 दिन लगेगा अगर आप मिल के शेयर कर दो, इतने देख लो कितना कब संख्या है, लेकिन हम यहाँ भोगते हैं, हमारे गले में प्रॉब्लम है, देख रहे हो मरीच खा रहे हैं, मरीच दिखाते हैं आपको, मरीच मतलब काली मिर्ची होता है, जेब मिली है, जेब में डब्बे मिली है, थोड़ा सा खोलने दीजिए, ये देखो मतलब ये पूरे दिन खाते हैं, पूरे दिन गले में प्रॉब्लम है, किसी के कारण हो गया गले में प्रॉब्लम, कोई है जो दिल में है और गले में चुभती है ना, तो बस उसी के कारण थोड़ा तबीयत खराब हो गया और डाउन भी हो गया सेहत, लेकिन बाद में घर वालों को जवाब देना पड़ जाता है ना, क्यों 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, क्यों 2 दिन से ये नहीं कर रहे हो, है ना, बस पढ़े जा रहे हो 2 दिन से, आखिर क्या बात है बताओ, तो इस वजह से थोड़ा मोड़ा खाना भाई जरूरी हो जाता है सेहत के लिए, और पढ़ाएंगे भी कैसे बताना, जरा दिन भर भाई पढ़ाना होता है, थोड़ी सी 5-6 घंटे अपनी स्टडी भी करनी होती है और सब कुछ मतलब समझ रहे हो चलता है। आगे देखना, रागिनी सिंधे का कहना है, आप धरने की डेट फिक्स करें, फिक्स हो गया भाई, लास्ट नवंबर या फिर कह लो 5-6 दिसंबर, उसके पहले 40,000 में हमारे पास जनसंख्या रहेगी तभी हम करेंगे भाई, अन्यथा नहीं। याद रखना, जब जितनी भी आप जनसंख्या अपनी बना लो उसमें से 500 बच्चे हमारे होंगे, अब ये मत सोचना कि सर 500 आप ही लेके आ जाओ, नहीं, 500 ऐसे बच्चे होंगे जो डाइट नहीं करते हैं, जो DLED नहीं करते होंगे, उनको हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, यह जो है ना 40,000 का आंकड़ा टच करना है। एक बच्चा है इलाहाबाद से, उसको एक हमने जो शिक्षक भर्ती टल गई एक तरह से वीडियो बनाया था, तो कुछ अटपटा लिखा था, उसका नाम भी आएगा, हम उसका नाम पहले ले लेते हैं, साले को ना बताना है बहुत अच्छे से, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है भाई, आ जा बेटा, कहाँ गया, उसका नाम देख लेते हैं, हाँ संदीप, स्टेप अप भाई, स्टेप डाउन कर देंगे तुम्हारा हम, स्टेप अप विथ सुशील भाई, जितनी औकात है, कह रहा है कि 1,00,000 मतलब 1,000 बच्चे को लेके आ जाएंगे, भाई तुम्हारे पास अगर एक मित्र है जो खास मित्र है उससे बोल देना, और तुम इलाहाबाद से धमकी दे रहे हो मुझे, इलाहाबाद में मेरे क्षेत्र से, इलाहाबाद में ना तुम 1,000 लेकर आओगे ना 10,000 खड़ा कर देंगे बेटा हम इसी जगह, इलाहाबाद में ही, यहाँ से इस क्षेत्र से इलाहाबाद जिस क्षेत्र में हो ना, बस नाम बता देना, अगर मिलना होगा तो मिल भी लेना, हम किसी की धमकी से नहीं डरते हैं, और जो तुम हो ना शिक्षक की तैयारी कर रहे हो ना, ये शिक्षक का तुम कैसे शिक्षक बनने लायक हो गए यार, हमको तो यही नहीं समझ आता, तुम कैसे शिक्षक की तैयारी करते हो, कैसे शिक्षक की तैयारी कर रहे हो यार, ऐसे लैंग्वेज रखने वाले ना, बता रहे ना, लात से और बात से दोनों तरीके से हम समझाने आता है, मेरे पास कानून का भी सहारा है, ऐसी बात नहीं है, घर में बैठे हैं 3-4 लगा देंगे सट्टा, समझ में आ जाएगा तुरंत बेटा सुशील, है ना, बाप के अगर इकलौते बाप के औलाद हो ना तो कॉल कर लेना मुझे और बता देना किस क्षेत्र में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो उसी क्षेत्र में खड़ा कर देंगे 10-15 को जो हमारे मित्र हैं खास, और निपट लेंगे तुमको उसी जगह, हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो बेतुके गाली तुम दिए हो ना हमारे प्रशिक्षकों को, यह केवल 10-5 पैसे लेकर आने वाले होते हैं, ये वही छात्र है, ये छात्र नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये दुराचारी है, 100 रुपये 500 रुपये पे 1,000 पे 2 रुपये पे 3 रुपये पे आ जाते हैं कमेंट करने, ये लोग इन सबको गाली से ही बात किया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर हम अटपटे लैंग्वेज तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों को समझाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और हमारी ये मकसद नहीं होता है, हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो शिक्षा क्षेत्र से ही बातें करें तो अच्छा है ना, या फिर उस लैंग्वेज में बात करें तो अच्छा है, और तुम जैसे बात कर रहे हो भैया ना, तुमको तो पहले हम ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे तुमको, पहले तुम मुझे कॉल कर लेना, नंबर हम दे दिए हैं, बहुत जगह नंबर दिए हैं, चैनल पर भी अबाउट में नंबर है, कॉल कर लेना, तुमको बता देंगे भाई, और अगली बात तुम्हारे औकात की ना, तो उसी समय पता चल जाएगा, 1,000 की बात कर रहे हो ना, एक नहीं खड़ा होगा तुम्हारे साथ, जब पढ़ने लगेगा डंडा, तुम्हारी यह कमेंट है जो ना, तो यह जो हमारी हमने बनाया है वीडियो, इस वीडियो में क्या गलत था बताना जरा, जो चीज़ें अपडेट होती वही तो दिया जाता है, क्या गलत था तुम बेटा बस हमारा नंबर ले लेना, कॉल कर लेना, अगर ज़्यादा गर्मी हो शरीर में तो, है ना, और जिस क्षेत्र में हो तुम ना उसी क्षेत्र में तो हम भी हैं,
इलाहाबाद। और तुम बात बड़े बहुत बड़ी 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 बात करते हो हैं। जिस क्षेत्र में हो भाई ना, तुम क्षेत्र से आए हो तैयारी करने, उस क्षेत्र में हम रहे हैं रहते हैं। मत समझना भाई, ढीला और कमजोर तो हम आपको भी नहीं समझते, लेकिन याद रखना आपको कानून तरीके से मारा देंगे, कानूनी तरीके से। चाहे जितने आपके पास ताकत हो, लेकिन हमारे पास कानूनी पावर है भाई, घुस जाएंगे समझ लेना, फिर दिक्कत हो जाएगा, अटक जाएगा। सुशील जी थोड़ा सा, जब आप आपस में, जब आप आपके पास पावर नहीं है ना, दूसरे के बल पे नहीं उखड़ा जाता है। याद रखना 1,000 बच्चों को लेकर आओगे दम में तो अकेले आ जाओ, क्या गलती की है बता दो भाई, सुधार लेते हैं हम उसमें, ठीक है। और इस तरह गाली गलौज वाली बातें ना अपनी माँ बहन से कर लेना, समझ में आ जाएगा। फिर जो जन्म दिया है ना उससे कर लेना भाई, उसका कम से कम अदा करो कर्ज, उसका अदा कर, कभी तो कोई कर्ज कर ही नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम शर्म करो यार, किसी माँ बाप ने पाला पाला है, पाला है तुझे। ऐसे ही तुम गालियों से बात करते हो, तुम शिक्षक बनने वाले हो साला। चलो छोड़ो ऐसी बातों को लेकर दिमाग खराब करना। रामा शंकर जी का कहना है, सर मैं DLED 2019 बैच में हूँ, सेकंड में सेम में दोबारा एक सब्जेक्ट में बैक बैक है, तो टेट के एग्जाम दे। नहीं भाई नहीं दे सकते मेरे लाल, मेरे भाई राकेश जी, कल हम करा के आए अपने स्कूल से भाई। थैंक यू। देखिए राकेश जी मेरे प्यारे मित्र हैं और बहुत बहुत प्यारे हैं भाई। इसके बाद ब्रजेश सिंह जी का कहना है, तो बैक वालों का क्या होगा सर जी? फिर बैक वाले के लिए बता तो दिया गया ये चीज़, 40,000 का आंकड़ा। इसके बाद धरना, विधिवत धरना होगा, घबराना मत। दो दो बार हमने आह्वान किया, एक बार हमारी बातें भी सुनी गई और एक बार बच्चों ने मुकर गए, बच्चे मुकर गए। तो इस बार मानना नहीं है, चलना है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 40,000 की, तब हम चलेंगे भाई। नेहा राठौर का कहना है, सर एक कंपलसरी है क्या? हाँ भाई कंपलसरी है, आपको अटेस्ट कराना ही है भैया, ठीक है ना। चाहे जिस भी सेमेस्टर के आपके पास हो रिजल्ट आप करा लेना, नहीं तो फिर बैठने नहीं पाएंगी भाई। नेहा राठौर जी, रिंकी जी का कहना है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है, मैं UPTET का एग्जाम कैसे दूंगी? भाई दे सकते हैं, याद रखना अगर आपके पास कॉलेज जिसमें बैक है उसको ले जाना, और साइबर पर उसे, देखिए हमने भी दिया है, हमने भी दिया है, हमारा उसमें 100 नंबर आया था उस समय, है ना, तो हमने भी दिया है भाई UPTET का, और बिना उसके मतलब कि बिना हमारे पास किसी प्रमाण के हमने वैसे भी दे दिया, किसी दूसरे के रिजल्ट से दे दिया। तो आप अपने रिजल्ट पे संशोधन करा कर, थोड़ी सी एडिटिंग करा कर दे सकते हैं, मोहर लगना चाहिए सिर्फ कॉलेज का, कॉलेज वाले तो बात मान ही जाएंगे भाई, कर देना। और वहाँ पर जमा होती हैं, अब वहाँ पे यह मत समझना कि हमें बंद कर दिया जाएगा जेल में, नहीं, आप पेपर देने आए हो, कुछ गलत काम थोड़े कर रहे हो, हमको सिलेक्शन थोड़े लेना है, बस हम पेपर देख लें कैसा है, दे सकते हैं। सावित्री निषाद का कहना है, सर प्लीज़ सेकेंड बैक सेमेस्टर का मैथ का क्लास चला दीजिए। बिल्कुल करा दिए हैं, सेकेंड सेमेस्टर DLED का जो मैथ है ना, एक वीडियो में खत्म किए हैं, आकर देख लेना प्लेलिस्ट में है। और जो DLED के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको मैथ पढ़ना है ना, उसको भी प्लेलिस्ट में सजा कर रखें, मैराथन क्लास है 15 ठो कर लेंगे ना, तो बता रहे हैं 25 से 25 आएगा, जो बच्चे किए हैं देख लेना उनका रिजल्ट कैसे आने वाला है। रिंकी यादव जी का कहना है, 2019 बैच फोर्थ सेमेस्टर वालों का रिजल्ट कब आएगा सर जी? तो बता तो दिया गया, आपने अगर स्टार्टिंग से बनी हुई तो आपको पता चल गया होगा। एग्जाम ट्रैक विथ SK, सर आप अपना मोबाइल नंबर, भैया मोबाइल नंबर दे दिया गया है, मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल पे तो कॉल मत करना कभी, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे आपके। और प्लस रह गई बात व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, ग्रुप में बताइए तो ग्रुप में जोड़ दें, जिस बैच से हैं उस बैच में, ठीक है ना, मस्ती से पढ़ाई करिए। और जिसका सेकंड सेम में बैक है सर जी, रिजल्ट नेट से डाउनलोड करके सिग्नेचर कराएं। बिल्कुल वजीद जी आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, इतनी बच्चों का कॉल वो रिस्पॉन्स था हमने दे दिया। और कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन है, जैसे ITI अनुदेशकों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी, यह थोड़ा सा आज के पेपर हैं सुन लीजिए। एक्स में 400 नर्स की नियुक्ति होगी यह बोला गया है। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक का आज जारी होगा परिणाम, आज जारी हो गया भाई, जूनियर जो टेट वाला हुआ था है ना, तो आज आज का कौन सा दिन है, 12 है ना, तो 12 यानी कि 13-12 को हो गया है ना, 11 को उनका संशोधन वाला आया था और 12 आज जारी हो गया, वो देख सकते हैं। परीक्षा के एक माह बाद भी रिजल्ट का इंतजार, किसका भाई? यूपी बोर्ड वालों का है ना। यह प्रदेश के 27 मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होगी टेली मेडिसिन है ना, अनुदेशकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू की जगह होगी लिखित परीक्षा भाई है ना, तो यह समझ लीजिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक एवं संघ की धरना 30 को है, भैया माध्यमिक माध्यमिक सब जगह धरना हो रहा है, SSC GD वाले धरना कर रहे हैं अपने मांग को लेकर, वह डटे हुए हैं भाई, उसमें जोश है साहस है, आपकी संख्या नहीं बढ़ती, 40,000 बुलाएंगे ना, 40,000 हो जाएंगे ना, तो 4 बच्चे खड़े होंगे, इधर से बोलते हैं इतना शेयर करो ना कि कम से कम 40,000 जनसंख्या हो जाए हमारी, हमारे पास फैमिली हो जाए 40,000 की, इसके बाद बुलाएंगे ना तो 1,00,000 तो आ ही जाएंगे, देख लेना, और हमारी बात धड़क के सुनी जाएगी। आयोग के समक्ष निर्विघ्न परीक्षा कराने की चुनौती, ठीक है, प्रयागराज में जो आपका ये सारी चीज़ें हो रही है ना UPTET की, उसके बारे में बात कर रहा है, इसका हम कल वीडियो बनाएंगे एक इस पर। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आज आएगा परिणाम, मतलब आ चुका है आप देख सकते हैं है ना। एक बच्चे ने और कमेंट किया है, इराम फातिमा जी का कहना, सर स्कूटनी के लिए जब कॉपी चेक होती है तो वो स्टूडेंट्स को दिखाई जानी चाहिए, बिल्कुल दिखाई जानी चाहिए, वो दिखाते भी हैं,
पर हमने पहले जब फिल किया था तो इस कॉपी नहीं दिखाई गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सर प्लीज जल्दी कराएं। देखिए भाई कॉपी दिखाई जाती है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कॉपी नहीं दिखाई देगी? मिस्टर एम के चौधरी जी नंबर मांग रहे हैं, हमारा नंबर दे दिया गया भाई, नंबर ले लो आप, लेकिन कॉल मत करना, आप व्हाट्सअप करना, वहाँ पर सुन लिया जाएगा, ठीक है ना? तो बस यही था, आप डेली आइए, आप डेली क्लास करिए बेहतरीन तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से क्लास करिए। जो आज हुआ है UPSI का पेपर पूरा का पूरा, उस पर रिव्यू हम करेंगे कल, कल सुबह ही वीडियो आ जाएगी UPSI का, जो जितने भी प्रश्न आए थे, है ना। चलिए धन्यवाद।